नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देखें एलआर न्यूज 24x7। बिहार विधानसभा में आम बजट का दौर चल रहा है, इसी को लेकर बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव तमाम खबरिया चैनल है या फिर पोर्टल कह सकते हैं, यूट्यूब चैनल कह सकते हैं, तमाम मीडिया भी है इस खबर को गलत तरीके से दिखा रहे हैं, क्योंकि जो तेज प्रताप यादव है जिनका निजी सुरक्षा कर्मियों लोग हैं, ना उनके पास हथियार था ना उनके पास कुछ ऐसी जिससे कोई अप्रिय घटना घट सकती है उस सदन के परिसर में, इसी को लेकर मार्शल ने क्या कुछ कहा, थोड़ा आप ही सुने। अंदर आए हो तो बताइए, वो गेट वाले से जाकर आप पूछिए। गेट वाले की जिम्मेदारी आपकी है, हम चौकस हैं। नहीं, मार्शल की जिम्मेदारी है। मार्शल साहब सवाल ये आपके आपके इलाके में भी आ रहे हैं, घूम रहे हैं, कहां वो लोग जो हैं, कहां बाहर के हैं, अरेस्ट कर दिया गया क्यों नहीं, क्यों नहीं चला गया, बच्चा ना तो मना करते हैं आप लोग। तो देखा, तेज प्रताप यादव के निजी सुरक्षाकर्मी पे जो आरोप लगाया गया, इसी पे हम लोग बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? अनीश उपाध्याय। अनीश जी, जो आप सदन में गए थे, सदन के परिसर में गए थे, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? हम लोग गए, हम लोग बाहर खड़े थे, तो उसके बाद जो मीडिया वाले थे हम लोग के पास आ गए और पूछे, जानकारी मांगे, तो उसके बाद हम लोग चले आए वापस ऐसे करके उधर से। हम लोग के पास कोई वेपन कुछ भी हथियार नहीं था, हम लोग नॉर्मल रूप से गए थे सर के साथ में। ठीक है, तो ये तेज प्रताप यादव की निजी सुरक्षा में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए इन दिनों तेज प्रताप यादव बदलाव यात्रा पे हैं और लगातार जिस तरीके से भीड़े होती है उसको नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा कर्मी का भी जरूरत पड़ती है, इसी को लेकर तेज प्रताप यादव अपनी सुरक्षा के लिए निजी जो है कि सुरक्षा के लोगों को बुलाकर अपनी सुरक्षा करा रहे हैं। क्या कुछ रहा, आप सदन के बाहर गए, क्या कुछ हुआ मामला वहाँ पे? सर, वो मीडिया हम लोग को घेर ली और उसके बाद हम लोग सिर्फ इसलिए गए थे कि वो क्राउड जो हो हम उसको एडजस्ट कर सकें, हटा सकें, और हमारे पास कोई गन वगैरह नहीं था और हमने कोई हद नहीं पार किया, वो साइड लाइन मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। और हमारे सर खुद ही बोलते हैं कि उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं करना है हम लोग को, और हम लोग ऐसे हैं भी नहीं कि हम लोग पिस्टल का वो करें। और सर, और कुछ नहीं हम बता सकते, हम लोग सर के सुरक्षा के लिए गए थे और उसमें हमारा ना कोई पिस्टल था ना कुछ भी, मतलब ऐसा वो नहीं था कि जिससे कुछ घटना घट सके। हाँ, तो देखिए तेज प्रताप यादव के जो कि बॉडी गार्ड है, साफ रूप से कहना है कि इनका जो कि हम जिस तरीके से वहाँ सुरक्षा करने जाते हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं था तो जिसके कारण जो कि अप्रिय घटना घट सके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविशंकर है। तो मैं वहाँ पे गया था तो लेकिन हम लोग कोई हद नहीं पार किया, कोई सीमा में नहीं गया ना, हम लोग के पास कोई असलाह था, निजी रूप से सर के सिक्योरिटी के रूप में गए थे हम लोग, फिर वहाँ पे मीडिया वाले परेशान करने लगे तो फिर हम लोग को निकलना पड़ा। देखिए, तो साफ रूप से ये तेज प्रताप यादव के जो कि सुरक्षा कर्मी है, साफ रूप से कहना है कि हम जो तेज प्रताप यादव जो हमारे जिस तरीके से उनको सुरक्षा करने के लिए हमारे बात होती है, मगर तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बदलाव यात्रा पे है उनको निजी सुरक्षा का जरूरत पड़ सकती है, मगर बिहार सरकार जो है निजी सुरक्षा तो दी नहीं, इसलिए तेज प्रताप यादव ने सुरक्षा कर्मियों को जो कि प्राइवेट स्तर से हैं उनको अपने साथ रखा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो जितने भी खबरिया चैनल है जिस तरीके से इस खबर को लोट पोट करके दिखा रहा है लोग और टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जो दिखा रहे हैं लोग, उन पे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन संजीव आर्या के साथ सौरभ शर्मा, एलआर न्यूज 24x7, पटना।